जैन साथियों, वेलकम बैक अगेन माय चैनल अनिल आर्मेटर ब्लॉग्स। दोस्तों, लोगों का तहे दिल से स्वागत है मेरे चैनल के अंदर। आशा करता हूँ कि आप लोग अपने घर पर स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, तो रात के बज गए हैं तकरीबन अभी 22:48 और इस टाइम मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ पर मेरा जो शेड्यूल है काफ़ी बिजी रहता है, उसके बावजूद मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ ताकि आप लोग अवेयर रह सकें और बहुत सारी चीज़ों से अपने आप को बचा सकें। जितने भी एक्सर्विसमैन भाई हैं या जितने भी मेरे आर्मी पर्सन भाई हैं, जितने भी, तो मैं सबके लिए अवेयरनेस वीडियो बनाता रहता हूँ। और जो अवेयरनेस वीडियो है वो बहुत ज़्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि अगर आप लोगों को इस चीज़ के बारे में पता नहीं होगा तो आप कहीं ना कहीं ज़िंदगी में धोखा जरूर खा जाओगे, जैसा कि बहुत सारे लोग खा जाते हैं आज की ज़िंदगी। मैंने भी खाया अपनी ज़िंदगी में धोखा, लेकिन बट अब आगे के लिए क्या है, इंसान के पास सतर्क हो जाता है और इन चीज़ों से अवेयर हो जाता है। तो बात करते हैं आज हम क्यूनेट के बारे में, क्यूनेट मल्टी लेवल यानी कि MLM कंपनी। तो बहुत ज़्यादा इस टाइम इसके स्कैम्स चल रहे हैं, फ्रॉड्स चल रहे हैं, तो बहुत सारे लोग इसके झांसे में फंस जा रहे हैं, क्योंकि लोगों को इस तरह से बताया जाता है इन लोगों के द्वारा कि लोग जो होते हैं इसके अंदर फंस ही जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे, मैं आप बात करूँ एक्सर्विसमैन भाई इसके अंदर फंसे हुए हैं, बहुत सारे आर्मी पर्सन भाई इसके अंदर फंसे हुए हैं, बहुत सारे पुलिस वाले भी हैं जो इसके अंदर फंसे हुए हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर क्या रेक्टिफाई करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, मुझे एक चीज़ मैं आप लोगों से पूछा, मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए हैं मेरे वीडियो के, बहुत सारे कमेंट्स भी आते रहते हैं, तो और आए भी हैं बहुत सारे। तो मैं ये पूछना चाहूँगा दोस्तों कि आप मुझे बताइए कि आप लोग की क्या सोच कर क्या है यहाँ पर क्या पैसा अपना लगा रहे हो, ठीक है। जबकि आपको क्लियरली आई होप जब आपकी यहाँ पर मीटिंग होती है तो उस मीटिंग में आपको बता दिया जाता होगा कि आपका जो पैसा है वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपको इसके बदले में यहाँ पर क्या प्रोडक्ट दे दिया जाएगा और क्या है आपका पैसा, मतलब कि यहाँ पर क्या है आपका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है ना। और पहली बात यहाँ पर बता दूँ, मैंने काफ़ी सारी वीडियोस के अंदर आपको ये क्लियर किया हुआ है कि क्यूनेट जो है इसका रजिस्ट्रेशन होता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, ठीक है ना। यानी कि आप एक IR बन जाते हैं इसके, यानी कि आप इसके क्या है जो रिप्रेजेंटेटिव बन जाते हो, ठीक है ना। तो वो यहाँ पर क्या है वो चीज़ होती है। तो आपने क्या करना है, आपको सबसे पहले आपको ये होना चाहिए कि आपके पास आपकी IR ID होनी चाहिए। जब भी आपको यहाँ पर किसी ने अगर रजिस्ट्रेशन किया है आपका, तो आपको एक IR ID मिलती है, तो वो IR ID आपको अपने पास रखनी है फर्स्टली, ठीक है। एक मैं नंबर यहाँ पर मेंशन कर दूंगा क्यूनेट का जो है, जो इंडिया के अंदर जहाँ पर आप इसका जो टोल फ्री नंबर है इंडिया में, तो वो मैं आप कंपनी से डायरेक्टली बात कर सकते हो, तो मैं वो नंबर भी यहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप डायरेक्टली बात कर सकते हो और उस IR नंबर के रिगार्डिंग जो भी IR नंबर है, जो भी आपके अप्लाइन का है या आपका है, तो उस पर आप यहाँ पर कंप्लेन लिखा सकते हो, ठीक है ना। जब जो आपको रिफंड चाहिएगा, आपको 100% वहाँ पर रिफंड मिलेगा। और आप कभी देना क्यूनेट में अगर आप लोग जा रहे हो तो वहाँ पर कभी भी आपका जो अप्लाइन है आपको यहाँ पर क्यूनेट की रिफंड पॉलिसी नहीं बताएगा कि क्यूनेट की रिफंड पॉलिसी क्या है। रिफंड क्यूनेट की यहाँ पर रिफंड पॉलिसी जो दोस्तों वो मैंने आपको अपने पहले पिछले वीडियोस में भी बताई थी, अब भी बता देता हूँ कि जो USD के अंदर है वो उसके 7 days है, और अगर उन्होंने USD में आपका जो प्रोडक्ट है जो परचेज किया तो उसकी 7 दिन की है, और अगर INR में परचेज हुआ है तो उसकी 30 days है, ठीक है। तो आप इतने दिन के अंदर अपने पैसे को रिफंड करवा सकते हो। और पहली बात यह है कि जब आपका जो अप्लाइन है क्लोजेस्ट फ्रेंड है जो आपको यहाँ पर इस बिजनेस में लेकर आया है, बहुत सारे आपको भरोसा दिलाता है, बहुत सारा ट्रस्ट दिलाता है, लेकिन जब आपको कोई बिजनेस पसंद नहीं आता और आप अपना रिफंड मांगते हो तो भरोसा कहाँ चला जाता है, पहला क्वेश्चन मेरा ये है, ठीक है। तो अगर आपको बिजनेस पसंद नहीं आया, अगर आप अपना रिफंड मांग रहे हो किसी से, तो उस अप्लाइन को यहाँ पर उसकी हेल्प करनी चाहिए और उसका जो पैसा उसने लिया है वो उसको रिफंड करवाना चाहिए फर्स्टली। ये एक ट्रस्टेबल चीज़ होती है, ठीक है ना। अगर हम किसी से, अगर कोई फॉर एग्जांपल देख लिए कि अगर हम कोई भी कहीं से TV परचेज करते हैं, ठीक है ना, हम किस ट्रस्ट बेस पे लेके घर लेके आते हैं कि यार अगर ये इसमें कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी तो क्या है मैं इस दुकानदार को वापस कर दूंगा, वो इसको सही करके देगा, ठीक है, या फिर क्या करेगा उसको एक्सचेंज करके देगा, ठीक है ना। अगर मुझे TV पसंद नहीं आता है, वो दुकानदार के ऊपर इतना भरोसा कि मुझे TV पसंद नहीं आता तो उसको रिटर्न कर दूंगा, ठीक है ना। तो वो चीज़ भी यहाँ पर होती है, ठीक है, लेकिन बट यहाँ क्यूनेट के अंदर ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है ना। आपको यहाँ सिर्फ लेके आएगा आपका प्लान जो है, आपका जो क्लोजेस्ट फ्रेंड होगा, जो भी होगा, रिलेटिव होगा चाहे आपका, वो आपको इस बिजनेस में लेके तो जरूर आ जाएगा, लेकिन आपको यहाँ से निकाल नहीं पाएगा वो, ठीक है ना। सबसे पहला बात ये है, ठीक है दोस्तों। बाकी बात करता हूँ मैं नेक्स्ट कि आपने पैसा दे दिया, ठीक है ना। दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पर आपका क्या है, टाइम वेस्टेज हो रहा है,
ठीक है ना। आप पूरा दिन जो है 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम देने के लिए बताया गया है, उसमें आपको तो 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम दो, उस ट्रेनिंग में कुछ नहीं बताया जाएगा, सिर्फ आपको माइंड वॉश किया जाएगा, ठीक है ना। और आपको ट्रस्ट दिलाया जाएगा कि आपका पैसा कहीं नहीं गया, आपका पैसा हमारे पास ही है। बट जब आप कुछ ऐसे क्वेश्चन इनसे पूछोगे ना, तो ये उसका जवाब नहीं दे पाते हैं, ठीक है ना। स्टार्टिंग स्टार्टिंग जब आप यूनाइट को ज्वाइन करोगे, जब आप इससे पूछोगे कि कंपनी का नाम क्या है, तो अपन कंपनी का नाम बिल्कुल नहीं बताएंगे आपको, ठीक है ना। यही बोलेंगे कि मेरा सीनियर बिजनेस पार्टनर है, वो मेरे से ज़्यादा जानते हैं, वही इस चीज़ के बारे में आपको क्या बोलते हैं पूरा ब्रीफ करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं इनकी, आपस में मिली जुली होती हैं सब चीज़ें इनका। तो दोस्तों सबसे पहले तो ये हिदायतें हैं यूनाइट की तरफ से डायरेक्टली, कोई भी अगर आपका अपलाइंट जो है जो इस गलत तरीके में आपको इस बिजनेस में लेकर आता है, तो उसके अगेंस्ट यहाँ पर कंप्लेंट जो है की जाएगी और उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। उसकी जो आईडी है, IR ID है, वो उसको क्या किया जाएगा, उसको क्या है ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। तो आपने भी यही करना है दोस्तों यहाँ पर। अगर आपके पास आपके अपलाइन का जो IR नंबर होना चाहिए, अगर आपको उसने अगर गलत तरीके से बिजनेस के अंदर वो लेकर आया है अगर आपको, तो आप उसके अगेंस्ट क्या है उसका IR नंबर लिख के आप उसके अगेंस्ट कंप्लेंट डाल सकते हो, ताकि उसकी ID जो है टर्मिनेट हो सके। दोस्तों यहाँ पर ये बहुत ही ज़रूरी है कि अगर आप के साथ ऐसा फ्रॉड हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, तो आप उस IR की जो है या उस जो आपका अपलाइन है उसके IR जो ID को आप टर्मिनेट करवाओ, ठीक है ना। इसके लिए आपको कंप्लेंट करनी पड़ेगी, जो क्यूनेट की ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर जाकर, मैंने आपको बताया हुआ है, ऑफिशियल वेबसाइट का नाम भी मैंने आपको बताया था। तो और ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर करनी है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या है, गलतियाँ किसके किससे होती है, हम लोगों से खुद होती है कि हम इनके जाल झांसे में आ जाते हैं और कुछ ऐसा गलत कदम उठा बैठते हैं और इस क्यूनेट बिजनेस के अंदर आ जाते हैं, और उसके बाद बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचता आप लोगों के पास। क्योंकि आप लोग बिजनेस के अंदर आ तो जाते हो, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे आपके माइंड को इस तरह सेट किया जाता है, आप 5-7 लोगों को अपने नीचे साइन अप भी कर देते हो, और उसके बाद फिर आपको लगता है यार यार मैं कहाँ फंस गया हूँ, कहाँ अब मैं जाऊँगा, कहाँ नहीं जाऊँगा। कोई आपके मतलब कि आगे पीछे आपको कोई हेल्प करने वाला नहीं होता है, और आपको खुद बहुत सारी दिक्कतें आने लगती हैं बिजनेस के अंदर, और आप इस बिजनेस को क्विट कर देते हो। तो ये बिजनेस नहीं है, एक नेटवर्क मार्केटिंग है, जिसके जरिए आप यहाँ पर क्या है लोगों को यहाँ पर लेकर आते हो। लेकिन यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर आपको इसके अंदर की बहुत कुछ देखने को मिलेगा दोस्तों यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो क्यूनेट के अंदर आपको देखने को मिलती है यहाँ पर। तो क्यूनेट में आना नहीं आना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना, कि आपको करना क्या है। अगर आपके पास, क्योंकि ये मैं पहली बात बता दूं कि मिडिल लेवल यानी कि ये लो लेवल और मिडिल लेवल जो हम जैसे परिवार वाले होते हैं, जो लो क्लास होते हैं या मीडियम क्लास जो परिवार है, उनके बस का ये बिजनेस नहीं है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है ना। और ये नेटवर्क मार्केटिंग जो के लिए जो है, एक तो इसके प्रोडक्ट्स जो है बहुत ही हाइयर रेट्स के हैं, जो कि 2 गुना 3 गुना 4 गुना से भी ज़्यादा इसके रेट्स हैं। लेकिन जब मार्केट में जाके यही सी इन रेट्स के आप जाके देखोगे, तो बहुत ही कम रेट में जो है वो इसके प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारे लोग आते हैं मुझे, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं सर कि मैंने 60,000 रुपये दे दिए हैं, अब मैं क्या करूं। तो 60,000 रुपये अगर आपने दे दिए दोस्तों यहाँ पर, तो 60,000 जो लिए हैं उन्होंने, उस पर वो यहाँ पर अपलाइन क्या करता है, उस 60,000 का आपके लिए कोई जो है ट्रिप सेवर खरीद लेगा, यानी कि कोई आपके लिए जो है पैकेज खरीद लेगा उस 60,000 रुपये में, और आपको दिखा देगा कि मैंने आपके लिए परचेज कर दिया है। लेकिन आप उस IR के खिलाफ अगर आप जो है अपने अपलाइन के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कर सकते हो कि मैंने इस 60,000 का कुछ नहीं लिया है, ना तो मैंने बताया है अपने अपलाइन को कि इस चीज़ को परचेज करो। अगर वो ऐसे अपनी तरफ से कुछ ऐसी चीज़ परचेज करता है, तो आप इसके अदरवाइज कंप्लेन कर सकते हो अपने जो है ग्रीवियंस सेल के ऊपर, ठीक है। कोई भी अगर इसके साथ कोई हेरा फेरी करता है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। अगर आप लोग डरोगे, तो आप लोग उतना ही दब जाओगे और अपना आपको बाहर नहीं ला पाओगे, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के लिए आपने क्या करना है, आवाज़ उठानी है, और क्या अपनी जो है कंप्लेन ग्रीवियंस सेल के अंदर जो है लिखनी है, और अपने जो रिफंड के लिए जो है वो अपने वहाँ पर उसको लिखना है, यानी कि मेल करना है उसके लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने करनी है यहाँ पर। अगर आप ये नहीं करोगे, तो उनकी हिम्मत और बढ़ेगी, और फिर आप लोग यहाँ पर होते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अपनी जो कंप्लेन नहीं लिखवा पाते, ठीक है, वो इसी वजह से लिखवा पाते हैं, कोई अपने डर की वजह से, बदनामी की वजह से, अपने दोस्तों से डर की वजह से, ठीक है। डरने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, जब तक आप लोग सामने नहीं आओगे। मैं भी तो सामने आया ना, मैंने भी तो बताया आप यार अपने अपने बारे में सब कुछ आप लोगों को, ठीक है ना। जब तक आप सामने नहीं आओगे, खुल के बात नहीं करोगे, तो आपका सोल्यूशन समाधान नहीं मिलेगा किस चीज़ का, ठीक है। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करना दोस्तों, और कुछ अगर आपको और भी पूछना है, तो मैं जरूर आप लोगों को कमेंट करके जरूर बता दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए।
जय हिंद, जय भारत।